हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। राधे राधे, कैसे हैं आप सब लोग। तो ये जो है नेक्स्ट मॉर्निंग का वीडियो। तो अभी हम सब लोग जो है अच्छे से रेडी हो चुके हैं और जा रहे हैं दादाजी के घर पर। और बच्चे भी देखिए एकदम रेडी हो चुके हैं। और ये देखिए, ये है मेरे दादाजी का घर। तो यहाँ पर देखिए आ चुके हैं दादाजी। यहाँ पर कर रहे हैं आधे घंटे तक हम लोगों ने यहाँ पर दादाजी के साथ में की है बातें। उसके बाद देखिए पापा भी यहाँ पर आ चुके हैं और थोड़ी देर उनके साथ में और हमने यहाँ पर 10 मिनट और टाइम बिताया है। उसके बाद में जो है हम सब लोग जाएंगे मंदिर। मंदिर जो है दादाजी के घर से ज़्यादा दूर नहीं है, एकदम पास में है। तो जिया जी भी यहीं पर पास में खड़े हैं, सब लोगों से बात की है हम लोगों ने। आज जो है मंदिर में बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, बहुत काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं। तो सभी जो है बहुत ही खुश नज़र आ रहे हैं। आगे मैं आपको बताऊँगी कितने सारे लोग आए हैं। तो ये देखिए अभी जिया जी भी जा रहे हैं। बा ने हमको बोल दिया कि तुम सब लोग अभी मंदिर जाओ, क्योंकि वहाँ पर आज जो है इंडा और ध्वजा चढ़ने वाला है। तो उसका टाइम हो चुका था। तो अभी हम सब लोग भी जो है यहाँ से जाएंगे मंदिर। तो ये देखिए मंदिर आ चुके हैं। वे इंडा सारे येलो येलो दिखे पीला पीला। वे इंडा वे। तो अच्छा वे ऊपर डिजाइन करवा रहा। तो अभी देखिए मंदिर का काम जो है वो पूरा हो चुका है। करीब 7 से 8 घंटे का टाइम वहाँ पर लगा है। और अभी हुए हैं दोपहर का टाइम, तो सबको भूख लगी है और खाने का टाइम भी हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कितने सारे लोग आए हैं। तो सभी जो है लाइन लगाकर खाना खाने के लिए बैठ गए थे। तभी देखिए खाना वगैरह जो है हम सब लोगों का यहाँ पर हो चुका है और सभी लोग आ चुके हैं अभी फिर से यहाँ पर पंडाल में। और यहाँ पर आए हमारे गुरु जी जो हमें अच्छे अच्छे यहाँ पर प्रवचन देंगे। और थोड़ी देर जो है हम लोगों ने यहाँ पर भजन वगैरह किया है, काफ़ी टाइम बिताया है। करीब शाम हो चुकी थी, करीब 7 बजे का जो है यहाँ पर टाइम हो रहा था। और थोड़ी देर यहाँ पर बिताने के बाद सब लोग जो है यहाँ से अपने अपने घर चले गए थे और हम भी जो है चले गए थे अपने गांव यानी कि मित्तल की दादी के वहाँ पर। वहाँ जाने के बाद जो है मैंने एक भी वीडियो वहाँ पर शूट नहीं किया था, क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला फ्रेंड्स। क्योंकि वहाँ जाने के बाद जो है पूरी पैकिंग वगैरह जो है मैंने की है। उसके बाद जो है हम वहाँ से नेक्स्ट मॉर्निंग जो है सुबह जल्दी निकल गए थे, जहाँ पर मेरी मम्मी और मेरी बहन रहती है वहाँ पर यानी मेरे पियर। वहाँ पर जाने के बाद मैं आपको आगे का वीडियो दिखाऊंगी। वहाँ पर थोड़ा सा जो है बच्चों ने वीडियो रिकॉर्ड किया है, वही आपके साथ में शेयर करूंगी। वहाँ पर भी जो है हम ज़्यादा नहीं एक ही रात रुके हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं था। टिकट हमारे कंफर्म हो चुके थे। तो ये आप देख सकते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग है ये। तो दूसरे दिन जो है हम आ चुके हैं घर। और घर आने के बाद देखिए यहाँ पर बच्चे वीडियो शूट कर रहे हैं, मैं बना रही हूँ यहाँ पर रोटी। तो आज जो है हम खाएंगे चूल्हे की रोटी। चूल्हे की रोटी फ्रेंड्स सच में बहुत ज़्यादा टेस्ट लगती हैं, बहुत ही ज़्यादा। और मेरे पापा की जो है पर्सनल ये बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। वो जो है इस तरह की रोटी जो है जो कोयला वगैरह जो होता है उसके ऊपर सेक कर खाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आज मैं उनके लिए यहाँ पर रोटी बना रही हूँ। और बच्चे आप देख सकते हैं यहाँ पर सब बैठे हैं, सब जो है अच्छे से नहा धोकर रेडी भी हो चुके हैं। और मित्तल यहाँ पर देखिए वीडियो ले रही हैं। और ये जो है छत पर है, छत पर चूल्हा जो है यहाँ पर लगाया हुआ है। अभी थोड़ा सा मैं आपको आगे की छत भी दिखा दूँगी। तो ये देखिए इस तरह से हवा के लिए यहाँ पर ऊपर ईंटों से जो है कुछ इस तरह से बनाया हुआ है और छत पर चूल्हा लगाया है। नीचे जो है बिल्कुल भी चूल्हा लगाने की जगह नहीं रखी हुई है, पूरा घर जो है अच्छे से पूरा पैक बना हुआ है। तो अभी देखिए ये है छत, काफ़ी बड़ा घर है, काफ़ी नहीं बहुत ज़्यादा बड़ा है फ्रेंड्स। ये झाड़ू निकालने में करीब जो है 1 से 1.5 घंटा यहाँ पर लग जाता है, इतना बड़ा घर है। और यहाँ पर एक बना हुआ है बाथरूम और यहाँ पर हवा नीचे जाने के लिए जाली लगी हुई है। एक जाली वहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी लास्ट में लगी हुई है, क्योंकि काफ़ी बड़ा घर है तो अंदर उजाला हवा भी चाहिए। एक जाली देखिए यहाँ पर लगी हुई है, ये भी काफ़ी बड़ी जाली है। और पीछे जो है वो पूरा ऐसे ही खेत पड़ा हुआ है, कोई भी मकान वगैरह नहीं बना हुआ है। अभी बच्चे शूट करे तो उन्होंने जैसे तैसे उनको जैसे हुआ वैसे कर दिया है। अरे
ग्लास पी है मां का तो जल्दी भूख है ओ हमारी भी एडी है फर्स्ट टुडे नेक्स्ट टुडे तो यहाँ पर देखिए मेरी बहन की छोटी वाली लड़की ने थोड़ा सा वीडियो शूट किया है और घर दिखाने की कोशिश की है। तो आपने देखा घर काफ़ी लंबा चौड़ा बना हुआ है और जो है मित्तल के पापा भी यहाँ पर बैठे हुए टीवी देख रहे थे क्योंकि न्यूज़ चल रही थी, उनको न्यूज़ काफ़ी पसंद है। वो ये है बाहर का व्यू और देखिए इतना बड़ा घर यहाँ पर बना हुआ है। और आज जो है नीचे का गैस ख़राब हो गया था तो जिया जी मेरे जो है वो गैस को ठीक कर रहे हैं। तो अभी देखिए रात का समय हो चुका है और लग चुकी है हाथ पर मेहंदी। जब भी बेटी लग जाती है पियर से अपने ससुराल तो हाथों पे मेहंदी ज़रूर लगाती हैं, ये रिवाज है हमारे यहाँ पर। आपके यहाँ पर कैसा रिवाज है कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो देखिए अभी जो है मेहंदी वेंदी लगा कर सब लोग सो जाएंगे और नेक्स्ट मॉर्निंग को हमें जो है जल्दी यहाँ से निकलना है। तो नेक्स्ट वीडियो जो है अगले पार्ट में मैं आपको शेयर करूँगी। तो फ्रेंड वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और बच्चों को यहाँ पर देख सकते हैं, खूब सारी बच्चों ने मस्ती की है। एक दिन जो है इनको कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता है बच्चों की हंसती मस्ती मजाक में। तो फ्रेंड मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहे मस्त रहे।